तो फ्रेंड्स, आज जाने वाले हैं हम रात को स्ट्रीट फूड चेक करने देहरादून का नाइट स्ट्रीट फूड। और बहुत बेस्ट फूड है जिस जगह हम आज जाने वाले हैं, वो बेस्ट बंटिकी की शॉप है देहरादून की। तो ज़रूर एक्सप्लोर करें इस जगह। और अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है शॉप में। और चलते हैं भैया के पास और बात करते हैं और उनकी रेसिपी दिखाते हैं कैसे बनाते हैं और क्या क्या है राज इस बंटिक्की का। दोस्तों, और मैं आ चुका हूँ कृष्णा बंटिक्की के यहाँ, और भैया हैं पीछे खड़े। भैया आपका नाम? सुनील। तो भैया का नाम है सुनील। और ये भैया, आप यहाँ पे एक्चुअली में कितने साल से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? 20 साल हो गए। तो भैया यहाँ पर लगभग 20 साल से दुकान लगा रहे हैं। तो भैया, इतनी तो मेरी एज भी नहीं है, मतलब अभी मेरे को 20 साल पूरे हुए हैं। तो मतलब जितनी मेरी उम्र है उतने ही साल पुरानी दुकान है भाई। तो 20 साल हो चुके हैं दुकान को लगे हुए। तो फ्रेंड्स, जैसा देख सकते हैं भैया के हाथ में एक रिंग है और उससे दहेड़ फेड़ एकदम टिकिया बना रही है। क्या कह रहे भैया आप? ना कह लो, मन की बात है भाई। हाथ ही ले लेना ठीक है। और बनाओ जैसे आपकी इच्छा हो। बस बस ठीक है। चलो फ्रेंड्स, पूछते हैं भैया से स्टॉल लगाने का टाइम और कब तक लगता है स्टॉल। और अब बताएंगे फिर आगे। आप जो अभी डालेंगे इसमें, जो भी मसाले या कुछ भी या जो भी आप डालेंगे, तो उनके बारे में बता रहे हैं आप क्या क्या डालेंगे। तो लाल चटनी डाल दी है भैया ने। ये अपनी हरी वाली चटनी हो गई। हरी चटनी भी डल गई है। ये दही हो गया अपना। ठीक है भैया। अनार और चूने वाला सलाद हो गया। ठीक है भैया। सरगी वाली प्याज। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिलीशियस दिख रही है जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। और भैया, मुझे बन थोड़ा अलग सा लग रहा है, मतलब जैसे एज वेल एज नॉर्मल बन यूज करते हैं इनमें, इसकी क्या खास बात है, कुछ अलग दिख रहा है भैया? ये बंद मेरा अपना खुद का बनता है। अच्छा, खुद ही? हाँ, इसमें अंडे की पॉलिश वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, मेरी अपनी बेकरी भी है ना, बरन बोन के नाम से। अच्छा, तो भैया की बेकरी भी है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं क्योंकि बन अच्छा दिख रहा है। अब देखते हैं आगे। और ये टिक्की हो रही है तैयार। सिर्फ मसाला काफी ज़्यादा लजीज लगता हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं चाट में अनियन और कुछ अनार के दाने और कुछ अपना मसाला बनाया हुआ, और इसमें हरी चटनी और साथ में लाल चटनी का यूज़ करा है। और ऐसी एज वेल एज हमारा बन टिक्की काफ़ी ज़्यादा सॉसी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता हुआ। तो अब करते हैं ट्राई। तो फ्रेंड्स, करते हैं ट्राई और बाइट लेके। और काफ़ी ज़्यादा क्रंची बने, बहुत ज़्यादा क्रंची हो रहा है। और हल्का हल्का जो दाल के दाने होते हैं जो टिक्की में, वो भी आ रहे हैं काफ़ी, एज वेल एज टेस्ट बहुत अच्छा। और इसमें चटनी जो डली है वो तो आया है क्या, एक तरफा। तो गाइस, टिक्की करते हैं टेस्ट। लो, आप भी करो और हम भी करते हैं। काफ़ी डिलीशियस हो रही है हमारी चटनी की, बहुत दिवानी है हमारी चटनी में, कोई चटनी है बता रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर बहुत भीड़ है, पीछे आपको नॉइज़ भी सुनाई दे रही है, लगातार लोग आते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो गाइस,
ट्राई करें देहरादून की बेस्ट मंडी। तो भाई बहुत ही ज़्यादा तहलका हो रही है, काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस और जो इसमें टेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा बेहतरीन आ रहा है, ना ही ज़्यादा मीठा और ना ही ज़्यादा चटपटा, तो कॉम्बिनेशन वैसे आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने कहा भैया को जैसे एज वेल एज बनाते हैं वैसे ही बनाएं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है उसे। तो भैया एक्चुअली मैं इस जगह की लोकेशन बताएं ये कहाँ पर है? भैया बिंदाल पुल के बरार में पहला पेट्रोल पड़ता है उसके बरार में ही है हम। अच्छा तो के पास पे ये बिंदाल पुल के। और भैया मैंने जैसे बंदी की खाई इसका राज क्या है? बहुत ज़्यादा भैया काफ़ी ज़्यादा आलू दाल वाले इस्तेमाल करते हैं और हम इसमें मूंग की दाल चने की दाल का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा आते हैं। ओके ओके ओके। और हमारी टिकी बिल्कुल ड्राई रहती है और बिल्कुल खुला रहती है। अच्छा और 20 साल से लगा रहे हैं, हमारा क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, अभी भी हमने 20 साल से बिल्कुल वही स्वाद रखा हुआ है। जो क्वालिटी पहले थी वही आज की क्वालिटी है और इसलिए ही लोग आज भी ज़्यादा ही होते जा रहे हैं कस्टमर, अभी भी एज वेल एज भीड़ बहुत है। तो भैया पे का टाइम भी थोड़ा कम रहता है तो आई ज़रूर आए विजिट करें इस जगह को और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।